अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर मैं आपके लिए अंडा तवा मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस एंड इजी है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करोगे तो आई एम श्योर आपको भी ये बहुत पसंद आएगी एंड आप इसे बार बार ज़रूर ट्राई करोगे। सो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। देन एग्स को बॉईल कर लेंगे एंड इसे हाफ्स में कट कर लेंगे एंड नेक्स्ट एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए 8 गार्लिक क्लव्स, थोड़ा सा जिंजर, 2 मीडियम साइज टमाटो, 4 ग्रीन चिलीज एंड ये कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स मैंने एक मुट्ठी के बराबर ले लिया है। अब इन सबको मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र करेंगे एंड फिर ब्लेंड कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमें वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बिना वाटर ऐड किए ही हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट प्रिपेयर कर लिया है। अब इस पेस्ट को साइड में रख देते हैं एंड 1 लार्ज अनियन को ऐसे फाइनली चॉप कर लेंगे। अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए एक कुकिंग पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे एंड जैसे ही ऑयल हीट हो जाए इसमें ये बॉइल्ड एग्स ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। यहाँ पर अब एग को फ्राई करेंगे फॉर 1 मिनट। 1 मिनट बाद एग को फ्लिप करेंगे एंड इसकी दूसरी साइड से भी इसे 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। एग यहाँ पर दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसे प्लेट में रिमूव कर लेंगे। ये देखिए एग्स को मैंने रिमूव कर लिया है। अब सेम कुकिंग पॉट में हम ये चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे एंड अनियन को यहाँ पर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अनियन जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें ये प्रिपेयर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम पर ही रखा है। अब इस प्रिपेयर्ड पेस्ट को अनियन के साथ सौते कर लेंगे एंड फिर इसे ऑयल सेपरेट होने तक कुक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड ये 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 2 मिनट्स ऑन लो फ्लेम। यहाँ पर मसालों को ऐसे ही चलाते रहना है ताकि ये पैन को स्टिक ना हो। नेक्स्ट अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 ग्लास वाटर, उसी जार को क्लीन कर जिसमें हमने पेस्ट बनाया था। यहाँ पर मैंने ये हॉट वाटर ऐड किया है ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे एंड एक बॉयल आने तक कुक करेंगे। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए इसमें ऐड करेंगे ये फ्राइड एग्स। एग्स ऐड कर लेने के बाद अब एग को यहाँ पर कुक करना है फॉर 2 मिनट्स ऑन लो फ्लेम। 2 मिनट्स बाद अब एग को हम जो है फ्लिप कर लेंगे। एग्स को फ्लिप करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर एंड स्लोली पैन को ऐसे शेक करेंगे ताकि एग्स जो है वो पैन को स्टिक ना हो। एंड इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एंड 1 मिनट तक इसे ऐसे ही सिमर होने के लिए देंगे ऑन वेरी लो फ्लेम। 1 मिनट बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अंडा तवा मसाला अब सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हो विथ रोटी, पराठा, नान या चपाती के साथ या फिर राइस के साथ। है ना फ्रेंड्स, ये इजी एंड सिंपल एंड बिलीव मी ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।